एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वॉशिंग मशीन का वीडियो है। इस वॉशिंग मशीन का जो प्रॉब्लम है, जो इसका जो ड्राम है ये नहीं घूमता है, इसको हम ठीक करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। खास टाइम हम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो पीसीबी है ये देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। अभी हम खोलेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो पीसीबी है ये खोलेंगे। खोलकर हम इसमें नया पीसीबी लगाएंगे। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का पीसीबी का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जो पीसीबी है ये जानकारी दे सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा जो पीसीबी खोलना हो गया है। अभी हम इसमें जो सैमसंग की नया पीसीबी लगाएंगे, आप लोग देख सकते हो ये मेरा जो सैमसंग की नया पीसीबी है, इसको लगाएंगे। लगाकर एक बार स्टार्ट करके देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। फिलहाल मैंने अभी इस वॉशिंग मशीन को स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हो मैंने इस वॉशिंग मशीन को स्टार्ट किया है। इसका जो मोटर है ये घूम नहीं रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है शायद मेरे हिसाब से जो इसका जो मोटर का कुछ खराबी हो सकते हैं। अभी हम जो मोटर का जो बेल है ये खोल रहा हो, खोलकर हम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर का जो कनेक्टर है ये देखेंगे। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कोई भी चीज़ का जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जानकारी भी दे सकता हूँ। अभी हम मोटर खोलेंगे। खोलकर हम इसका जो मोटर का जो कॉइल है इसको देखेंगे। ज़्यादातर मतलब इस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को वॉशिंग मशीन का जो मोटर का जो कॉइल है ये ख़राब हो सकते हैं। अभी हम इस मोटर को जो इसका जो कनेक्टर है ये खोलेंगे। खोलकर देखेंगे मतलब इस मोटर का जो कॉइल है ये जल गया है, इसलिए इस वॉशिंग मशीन का जो ड्राम है ये नहीं घूमता है। इसलिए हम इस वॉशिंग मशीन में नया मोटर लगाएंगे। आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो सैमसंग की नया मोटर है। अभी हम इस मोटर को लगाएंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोगों को इस मोटर का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आप लोगों को इस मोटर का भी जानकारी दे सकता हूँ। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जो पीसीबी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का भी पीसीबी दे सकते हो। अभी हम खोलेंगे जो वॉशिंग मशीन का जो बेल लगाने का जो सामान है इसको खोलेंगे। खोलकर हम मोटर पर लगाएंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। आप लोग देख सकते हो मेरा जो वॉशिंग मशीन का जो बेल लगाने का जो सामान है ये खोलना हो गया है। अभी हम लगाएंगे जो नया मोटर पर लगाएंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। लास्ट में बताएंगे इस वॉशिंग मशीन का जो क्या प्रॉब्लम था और मैंने क्या चेंज किया है। मैंने चेंज किया इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर है ये चेंज किया है। अभी हम जो वॉशिंग मशीन का जो ड्राम है ये खोलेंगे। खोलकर हम इसमें जो वॉशिंग मशीन का जो मोटर है ये लगाएंगे। आप लोग देख सकते हो मैं जो वॉशिंग मशीन का जो नया मोटर लगा रहा हूँ। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम अभी इस मोटर को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कर जो हम इस जो मोटर का जो स्क्रू है ये भी लगाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। मेरा जो मोटर लगाना भी हो गया है और स्क्रू भी लगाना हो गया है। अभी हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे सेलेरेंस से। टाइट करके जो वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर है ये लगाएंगे। लगाकर हम इस वॉशिंग मशीन को जो बॉडी पर फिट करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोग देख सकते हो मैं जो कैपेसिटर का जो स्क्रू है ये फिटिंग कर रहा हूँ। फिटिंग कर हम इस वॉशिंग मशीन का जो ड्राम है ये बॉडी पर फिटिंग करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोग देख सकते हो हम अभी जो वॉशिंग मशीन को बॉडी पर फिट कर रहा हो। फिट कर जो इसका जो सॉकेट जवर है ये लगाएंगे। लगाकर एक बार आप लोगों के सामने जो चालू करके देखेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। मैं ज्यादातर आप लोगों के सामने जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन का वीडियो लेके आता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं जो वॉशिंग मशीन का जो सॉकेट जवर है ये फिटिंग कर रहा हूँ। फिटिंग कर हम इस वॉशिंग मशीन को चालू कर देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सके हो। मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जानकारी भी दे सकता हूँ। अभी मेरा जो सॉकेट जबर भी लगाना हो गया है। अभी हम इस वॉशिंग मशीन का जो ऊपर का जो कवर है पीसीबी का ये लगाएंगे। लगाकर एक बार स्टार्ट देखेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। मैं ज्यादातर आप लोगों के सामने वॉशिंग मशीन का वीडियो लेके आता हूँ। मेरा जो वॉशिंग मशीन का जो कवर ये लगाना हो गया है। अभी हम पीसीबी को लगाकर एक बार स्टार्ट कर देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोग देख सकते हो मेरा तो पीसीबी लगाना भी हो गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे और स्पिन पर स्टार्ट कर देखेंगे। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अभी हम स्पिन पर स्टार्ट कर दिया है। इसका जो मोटर है ये घूम रहा है।
मैंने इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर का जो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर है ये मैंने चेंज किया है। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर है ये ख़राब है। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन मिलेंगे आप लोगों को जानकारी।